ईस्ट अफ्रीकन कंट्री टांजानिया का ये बांबा बीच है। व्हीकल द्वारा दारेसलाम शहर से यहाँ पहुँचने में 1 घंटे से भी अधिक समय लगता है। यहाँ पहुँचने का रास्ता उबड़ खाबड़ है, फिर भी स्थान तो उत्कृष्ट ही है, जो बेहद ही आकर्षक बीच में से एक भी है। खास करके वीकेंड में काफ़ी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। ज़्यादातर इस समुद्र तट के आसपास का दृश्य सभी मौसमों में सुंदर रहता है, इसलिए यहाँ कुछ पल बिताने के बाद जीवन भी सुंदर लगने लगता है। अगर समुद्र अच्छे मिजाज में हो तब यहाँ स्नान करने का मजा भी आनंदमय है। और अगर समुद्र का मिजाज बदमाश जैसा है तब दुनिया के किसी भी महासागर में स्नान करना खतरनाक है ही है। लहरों में गजब की खुशियाँ होती है जो हमारे शरीर को भी अजीब सी सिहरन देती है। बारिश के मौसम में कई नदियाँ अपने हिस्से का बरसाती पानी इस इंडियन ओशन को दान करती है। समुद्र और नदियों के संगम का वह अद्भुत दृश्य हमारी आंखों और हृदय को बहुत प्रभावित करता है। खास करके ब्लू रंग का आकाश अगर बर्फ जैसे सफेद रंग के बादलों से भरा हुआ हो वह नजारा भी अधिक रंगीन हो जाता है। वहां देखो मौसम कितना सुंदर दिखता है, आंखों में जैसे नशा छा गया हो। इस तरह के अर्ध बेहोश माहौल में वह पंखे रूपी क्या कर रहा है। वैसे दारेसलाम में मौसम कभी भी बदल जाता है, बारिश और गर्मी यहाँ केवल दो ही मौसम है, लेकिन बारिश का मौसम यहाँ साल में 2 बार आता है। खेती के लिए यहाँ पानी का संग्रह करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से यहाँ भूमि और नदियों में संग्रहित रहता है, इसलिए बाकी का पानी समुद्र में बह जाता है, जो पानी समुद्र को साफ करने के लिए पर्याप्त है।